आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज 20 अप्रैल 2022 चंद्रमानुसार वैशाख की कृष्ण पक्ष और चतुर्थी तिथि और सूर्य अनुसार मेष के वैशाख सात प्रविष्ट है। दिन का समय गर्मी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन प्लेन्स के हिसाब से गर्मी में थोड़ा राहत है। अभी मैं बैठा जिस जगह पर बैठा हूँ, ये जो मकान आप देख रहे हैं पुराना सा, ये मकान हमारी 6 पीढ़ियों की गवाही दे रहा है। आज मेरे दादाजी के द्वारा इस मकान का निर्माण हुआ था और उसके बाद हमारा वंश आगे बढ़ा। दादाजी के बच्चे हुए। आज सबके मकान अलग अलग हैं, किंतु ये मकान विरासत रूप में आज भी हम सबकी को याद दिलाता है कि हम सब आज भले ही जगह जगह चले गए हों, शहरों में बस गए हों, किंतु हमारी जड़ एक ही है। ये हमारे गांव में सबसे पुराना मकान है। और अब इसके बाद आपको जो डिटेल है किस प्रकार से हमारा वंश आगे बढ़ा, कैसे कैसे नाम थे, क्योंकि मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, हमारे बड़े भाई साहब हैं, चाचा जी हैं यहाँ पर, वो इसके बारे में। तो ये जो मकान आपने देखा था, ये है मेरे बड़े भाई साहब शास्त्री ज्योति प्रकाश सेमवाल जी, और अब ये बताएंगे इस मकान के विषय में। देखिए, सबसे पहले तो हमारा शास्त्र कहता है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान। तो आज बहुत सौभाग्य की बात है जन्मभूमि के, और ये जो अभी अनुज दीपक जी ने बताया जिस प्रकार से ये हमारी 6-7 पीढ़ियों की जिस प्रकार से धरोहर है, तो ये 6-7 पीढ़ी हमारी बुड्ढा से लेकर और अब तक की नई पीढ़ी जो हमारी 7 पीढ़ी के लगभग हुई है। हमारे बीच में हमारे चाचा जी हैं और सभी छोटे भाई पारिवारिक जन सभी यहाँ पर। इस मकान की आप विशेष हाल देख रहे हैं जो जर्जर रूप में हो गई है, जिसका अभी तक जीर्णोद्धार करना पुनः है, क्योंकि सभी प्रवासी बन चुके हैं, पारिवारिक पृथक पृथक रूप से अलग अलग निवास है। ये जन्मभूमि हमारे बुड्ढा से परदादा जी से लगा के जो इस प्रकार से है, जिनका नाम जमुना प्रसाद था, और जमुना प्रसाद जी के 3 पुत्र हुए नारायण दत्त और शंकर दत्त और कांतिराम। तो ये 3 पीढ़ी चले। नारायण दत्त जी के भी 3 पुत्र श्री बच्चे राम सेमवाल, श्री पीतंबर दत्त सेमवाल और श्री मोहनलाल सेमवाल, और शंकर जी दत्त जी के 2 पुत्र हुए श्री हेमानंद सेमवाल जी, श्री भीमानंद सेमवाल जी हुए, और तीसरे जो हमारे कांतिराम जी थे उनके श्री शिवानंद सेमवाल, श्री उत्तमाराम सेमवाल जी। ये पीढ़ी वंश से चली गई, और उनसे और जो आगे पीढ़ी बनी है श्री इस प्रकार से पीतंबर बच्चे राम सेमवाल जी के 400 पुत्र कन्या इत्यादि, ऐसे वंश आगे चला। श्री पीतम्बर जी के 3 पुत्र इस प्रकार से और वंश आगे चल रहा है, और श्री मोहनलाल जी के 2 पुत्र वंश आगे चल रहा है। आगे चले हम, ये हमारी मूल इस प्रकार से बभूति कहा जाए, जहाँ से जैसे गांव में परंपरा सरपंच की है, ऐसे इस पृथक हमारी पहाड़ी भाषा में सयाणा कहा जाता है। तो ये सयाणों की पीढ़ी इस चौक में लगभग जो हमारे गाँव के जो इस प्रकार से परंपरा है, वाद्य यंत्र है, दैनिक रूप से जो साल के जो भी सब चलते हैं, तो यहाँ ढोल दमों की बहुत परंपरा है। तो कोई भी कार्य आरंभ होता था, चाहे वो दिवाली का समय था, किसी प्रकार के खोले मेले चलते थे, तो सबसे पहले वाद्य यंत्र इसी चौक में बजा करते थे, तभी अन्य पंचायत चौक में संग्राम जिसे कहा जाता है। ये हमारे पीछे आगे हमारे इष्ट देव चंदीना का इस प्रकार से निवास स्थान है, वो हमारे अनुज दीपक भाई दिखा रहे होंगे, और ये हमारे चाचा जी हैं इस प्रकार से, ये सामने खड़े श्री सूर्यमणि सेमवाल जी और श्री विशालमणि सेमवाल जी, हमारे चाचा पारिवारिक जन है सभी। हमारे जो इस टाइम जो पीढ़ी है हमारी, जो भयात जिसे कहा गया भराती मंडली है, 10 पीढ़ियों की 10 परिवार हमारे वर्तमान समय में, और इनसे भी आगे पीढ़ी चल रही है। कोई हरिद्वार में है, कोई दिल्ली है इस प्रकार से, कोई विदेश तक इस प्रकार से अपने कार्य में रत है, विदेश तक दिल्ली में रहते हैं पारिवारिक जन, कुछ हापुड़ क्षेत्र में रहते हैं पारिवारिक जन। तो जगह 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 पृथक पृथक बैठे हुए। देखो इस मकान की अब जो हालत है बहुत जीर्ण हो रखी है। ये हमारी इस प्रकार से बभूति कहा जाए, इसको जीर्णोद्धार द्वारा एक बार से करने का जो हमारा विचार इस टाइम, हम आज अपने इस प्रकार से स्वर्गीय चाचा श्री चंद्रमणि सेमवाल जी के वार्षिकी गुदस्त्रास्त्र के अंतर्गत यहाँ पहुंचे हैं, और इष्ट पितरों की कृपा हो उस कार्य को संपन्नता की, यहाँ बैठे हमारे गणमान्य सभी हमारे पारिवारिक जन, मामा जी हैं, ससुर जी, चाचा जी हमारे सभी हैं, आज इस श्राद्ध के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हैं। इनका दर्शन भी हमें सौभाग्य, हमारे इस पितृ कार्य में सभी उपस्थित हैं, ये भी सौभाग्य की बात है। और ये शाम को अभी देख रहे हैं आप यहाँ पर भोजन की व्यवस्था और ब्राह्मणों के पदार्थ की व्यवस्था अभी चल रही है। ये हमारे इस प्रकार से राताश्री है, हमारे ससुर जी के लड़के हैं, और हमारे अनुज हमारे चाचा जी हैं, इनके द्वारा ये भोजन की व्यवस्था इस प्रकार से, इनके द्वारा भोजन की व्यवस्था पूरी रूप से रखी गई है। इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से पूरे भोजन की जो फलाहार है ब्राह्मणों का, शास्त्रों का, इसमें भोजन की व्यवस्था है, जो भी जलपान की है इनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं।
हमारे रिश्तेदार परिवारजन है, लेकिन ये विशेष चीज के प्रकार से ये हमारे चाचा जी हैं जो अभी जर्मनी में थे, होटल में शेफ हैं, और अभी किसी कार्यवश घर आए थे, तो उनका भी उनके द्वारा भी आज जो है कार्य का संपादन हो रहा है। ये हमारे भाई साहब हैं, ये गांव में ही सारा भोजन की व्यवस्था देखते हैं। तो अभी जो है पितरों के जो पितृ प्रसाद वगैरह बनेगा और दिन में ब्राह्मणों का भोजन होगा, गाँव वालों का भोजन होगा, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। तो चाचा जी आपसे जानना चाहेंगे क्या बना रहे हैं अभी ये मटर पनीर बन रहा है, और इसमें क्या बन रहा है चाचा जी? इसमें दाल बन रही, ये हमारा परम ये पुरानी परंपरा से चलने वाले पीतल के बर्तन है, इसको टोखण कहा जाता है देसी भाषा, हमारी भाषा में ये भड्डू है, सॉरी ये भड्डू है, इसको भड्डू का, ये पीतल का बना होता है, आजकल ये बड़े मिलने मुश्किल है। ये हम छोले बना रहे हैं, इसमें छोले की तैयारी चल रही है, और ये परंपरागत ढंग से आप देख रहे हैं कि ये चीड़ इत्यादि की लकड़ी है और ये बांझ वगैरह की लकड़ी मिला करके हम जो है चूल्हा इसमें बना रहे हैं। अनुज दीपक जी से फिर से कहूंगा कि भाई से देखिए, ये पुराने हमारे जो हमारे पंचायत बर्तन जिसे कहा गया, इनका रूप आप देखें तो ये बहुत पुराने समय में इनको इस्तेमाल किया जाता है पंचायत कार्य में, किसी भी के शादी घर में, गाँव में सब लोग होते थे तब बनता था, तब बनता था यार। आज जिसके भी शादी ब्याह किसी के घर में जो भी कार्य होता है, हमारे चाचा जी जिस प्रकार से बता रहे, तो प्रत्येक सबके कार्य में ये हमारे सामने हमारे ये हमारे भ्राता अनुज मोहित सेमाल जी आ रहे हैं, ये हमारे वर्तमान में ये लैणी हमारे पास गांव है उसमें अध्यापक हैं। और अब मैं दिखा रहा हूँ आपको अपना घर पुराना, तो ये देखिए जीरो, ये थोड़ा जर्जर अवस्था में है, आप देख रहे हैं इसकी जो हाइट है वो कम हो गई है, पहले कम हुआ करती थी हाइट क्योंकि ठंड बहुत हुआ करती थी, तो कि दरवाजे छोटे रखा रहे जाते थे ताकि जो है कमरा गर्म रहे और जल्दी ठंडा ना हो। ये एक कमरा है जो थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ी सी अच्छी अवस्था में है, अब यहाँ गाय इत्यादि बंधा करती हैं, पहले यहाँ पर हमारे दादाजी के दादाजी इत्यादि लोग निवास करते थे। इसके बाद यहाँ मैं आपको कमरा दिखाना चाहूँगा, तो इनकी अवस्था बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, अब यहाँ लोग गाय इत्यादि बांधते हैं हमारे परिवार के लोग। और बाकी ये जो कमरा है ये देखिए बिल्कुल इसकी अवस्था जो है बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, और ये ऊपर से जो था हमारा वो पूरा टूट चुका है। अब विचार बनने जा रहा है कि हमारी जो ये पैतृक संपत्ति है इसका दोबारा से जो है पुनर्निर्माण किया जाए। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है हमारे खाने पीने की तैयारी चल रही है, और इसके बाद मैं दोबारा ले चलता हूँ आपको अपने भाई साहब के पास, जो आपको और इस विषय में थोड़ा बहुत बताएंगे। तो भाई साहब की ओर चलते हैं। इसको बीत गए, ये हमारी जन्मभूमि, और इन मकानों की इन दरवाजों की आप हालत भली भांति मैं अनुज दीपक से कहूंगा कि दिखाएं कि क्या हाल, जिसमें हमारा बचपन और सभी भाइयों का बचपन बीता है। ये हमारी इसमें ताला लगा हुआ है, बस एक यही कमरा है थोड़ा सही है जो मैंने आपको भी नीचे से दिखाया था, और ये खिड़की के माध्यम से थोड़ा आपको अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा इनके हाल। मैं ये बगली दिखाने की कोशिश करूंगा, ये बगली का ये चारपाई पड़ी है पुरानी, बहुत पुराने समय की, और ऐसे मिट्टियों के द्वारा ये हमारे पानी के स्रोत जिनमें पानी भरा जाता है जिसे बंठा कहा जाता है, इनके द्वारा हम डिग्गियों से पानी लाकर इस प्रकार से अपनी इस प्रकार से इस्तेमाल किया करते थे। दैनिक रूप से रोज की जो प्रक्रिया थी जल के स्रोत की, इन्हीं के द्वारा इस प्रकार से करते थे। और आज बहुत ये देखिए आप छोटा सा जो आप एक स्पेस देख रहे होंगे, यहाँ पर पहले जो मिट्टी तेल के लैंप इत्यादि होते थे या फिर कुछ अपना प्रकाश के लिए साधन हुआ करते जलाए जाते थे। आप देख रहे होंगे इस मकान में कहीं पर भी बिजली की फिटिंग नहीं है, क्योंकि उस वक्त बिजली हमारे गांव में नहीं थी। तो ये जो ये देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक छोटा सा पीस हमको मिल गया, ये उस का एक छोटा सा हमारे पास इसको लैंप, और देसी हमारे भाषा में उसको कहते हैं लंपू, ऐसे मिट्टी तेल डाल करके और ये जो है डाला जाता, इसके बाद इसमें कपड़ा के डाल के और फिर इसमें जो है जोत जलाते थे। तो ये हमारा जो है दीपक का होता था, और ये हमारी सात पीढ़ियों की इस प्रकार से बहुती है जहाँ से सबका इस प्रकार से, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं श्री रामदयाल सेमाल जी, और जो इनकी भी जन्मभूमि, अगर मैं भाई साहब से स्वयं पूछना चाहता हूँ ये स्वयं बताएंगे हमारी कितनी पीढ़ी इसी से इस प्रकार से उपजी है। आज पृथक पृथक गांव में बटे, शहरों में बटे, कोई कहीं निवास, कोई हापुड़ में, कोई हरिद्वार में, कोई दिल्ली में, कोई राम पार्क में निवास है, और हमारे परबुड्डा से लेके एक बार फिर से मैं भाई साहब से कहूंगा थोड़ा सूक्ष्म रूप में अपनी वंशावली बताएं। तो भाई साहब थोड़ा हमारे परबुड्डा जमुना प्रसाद जी से जितना हमें ज्ञात था, जमुना प्रसाद जी हुए, उनके तीन सुपुत्र नारायण दत्त जी, यही
और शंकरदास जी और कांतिराम का, ठीक है जी। नारायण जस से तीन पुत्र श्री बच्चेराम सेमवाल जी, श्री पितम्बर दत्त सेमवाल जी, मोहनलाल सेमवाल जी, ठीक है। श्री बच्चेराम सेमवाल जी से इस प्रकार से तीन सुपुत्र श्री रामदयाल सेमवाल जी, हमारे इस टाइम वर्तमान समय में हमारे जो भ्रातृमंडली पारिवारिक में सबसे बड़े भाई है, सबसे बड़े भाई साहब हमारे दो सुपुत्र है श्री नरेश सेमवाल जी, श्री गिरीश सेमवाल जी, एक कन्या है और हमारे पुत्र का विवाह होने वाला है, और पुत्र का भी विवाह हमारे नई पीढ़ी में, नई हमारी आने वाली छठी पीढ़ी का। तो इस प्रकार से जो तीसरा हमारे शंकर दत्त जी जो हमारे बुड्ढा जी हुए, उनके भी इस प्रकार से दो सुपुत्र और दो कन्या हुई उनके, तो श्री हिमानंद सेमवाल जी, श्री भीमानंद सेमवाल जी, और श्री इस प्रकार से हिमानंद सेमवाल जी के चार सुपुत्र हुए, और श्री पंडित सतेश्वर प्रसाद सेमवाल जी, श्री चंद्रमणि सेमवाल जी, श्री सूर्यमणि सेमवाल जी, श्री किशोरनंद सेमवाल जी हुए। इसमें वर्तमान समय में थोड़ा बस यही दुख है, दो चाची जी हमारे बीच में जिनके वार्षिक एक उद्देश्य में आज सभी भ्रातृमंडली परिवार जन आज हम इकट्ठे हुए हैं उन पितरों की कृपा आशीर्वाद के लिए। और इस प्रकार से श्री भीमानंद सेमवाल जी के दो सुपुत्र कन्या हुई, श्री शांति प्रसाद सेमवाल जी, श्री महावीर प्रसाद सेमवाल जी। श्री वर्तमान समय में अगर हम देखा जाए हमारे श्री चाचा जी श्री शांति प्रसाद सेमवाल जी जो वर्तमान समय में गांव के ऊपर ही जिनका निवास है, ये तो खैर सबका ही मूल था, तो उनके भी दो सुपुत्र श्री कृष्णा सेमवाल जी, श्री इस प्रकार से हमारे महादेव सेमवाल जी के सुपुत्र हुए, और जो दूसरा परिवार हमारा हरिद्वार में निवास करता है श्री महावीर सेमवाल जी के इस सुपुत्र श्री दीपक सेमवाल जी, जो वर्तमान समय में इस वीडियो को के माध्यम से समस्त भ्राताओं के साथ जन जन तक और अपने पारिवारिक इस प्रकार रूपरेखा का जो बताने के लिए जिन्होंने अभी शुरू से भूमिका चलाई है, तो श्री दीपक सेमवाल जी, दो कन्या प्रीति सेमवाल और चांदनी सेमवाल इस प्रकार से जो वर्तमान में ब्याही गई है, तो ये इनकी कन्याएं हुई। और श्री हमारे तीसरे श्री कांतिराम सेमवाल जी के दो सुपुत्र श्री शिवानंद सेमवाल जी और सेवानंद सेमवाल जी, शिवानंद सेमवाल जी के पुत्र का मकान ये वाला है और उनका दूसरे वाला यहाँ से देखेगा नहीं, जो ये पेड़ आप देख रहे हैं पेड़ों के पीछे आज इस प्रकार से रसोई का कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। पंचायतंदेवताय नमः ओम मनो ज्योतिर ग्राम देवता नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो वेदेभ्यो नमः हम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्ध बुद्धि सहिताय श्री मनमहागणाधिपतये नमः भगवती इष्ट देवी ध्यान कर दिया अंदर की समझ जा तू जा तू कर ये चक्कर मारियो बस लिख के बोर्ड चल चल मैं आ गया मैं जान रही अक्षर नाम है अब 8 बजे खेल में तो 4 बजे तो बैठे ही बैठा होने ठीक है जी सर पर बैठा हो ना दूर से मस्ती
चन्नीनाग के इस प्रकार से चौक में है। ये आप देख रहे हैं चन्नीनाग भगवान हमारे इसके देव आराध्या जो भगवान अगर त्रेता युग से देखा है तो लक्ष्मण का स्वरूप द्वापर युग में बलराम का स्वरूप है। ये हमारे इष्ट देव में हर सुख दुख में इस प्रकार से हमारे ये साथ हैं, हमारे दुख के बिल्कुल साथ अपनी कृपा दृष्टि के साथ। ये पंचायता चौक है, जब भी कोई पंचायता कार्य होता इसी में अभी वर्तमान में यहाँ पे देख रहे हैं हमारे चाचा जी दादी जी चाची जी खड़ी जो वर्तमान बैसाख महीने में इस टाइम गेहूं की कटाई का समय है, गेहूं पके जा रहे हैं, अभी कुछ कच्चे हैं दिख रहे हैं इसमें चाचा जी हमारे परिवार के। और इसी पंचायता चौक में देख रहे हो आप कोई भी कार्य होता है जिसे पंचायता चौक कहा जाता है। और इस पंचायता चौक में इस प्रकार से पंचायत कार्य किए जाते हैं। अब हम आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं जो कि जहां हम इस प्रकार से ये हमारे गांव का मार्ग और ये आपको दिख रहा है हमारे पहाड़ का आया छोटा सा जो हमारे हिमालयन मैस्टिफ जिसको कहते हैं ये ब्रीड है। पारिवारिक जन और सहोदर परिवार के जो प्रथम रूप से शहरों में बसे ये मकानों के हालत इस प्रकार से हो रखे हैं। ये देख रहे हैं पुरानी शैली में बने हुए पत्थरों के मकान। थोड़ा यहाँ से एक बार ये अपना कैमरा दिखाएं जो यहाँ हमारी आदिशक्ति भगवती कुलदेवी है जो दूसरे परिवार हमारे दो खोले हैं गांव में तो दूसरा खोला कहा जाए उस खोले में यहाँ भगवती विराजमान रहती है दुर्गा रूप में दुर्गा देवी कुलदेवी है। हालांकि हमारे हर पूजन में पंचनाम देवताओं को स्मरण किया जाता है जिसमें भैरव देवता है चिड़ेश्वर देवता है भुवनेश्वर देवता और इस प्रकार से माँ राजराजेश्वरी। तो ये चौक मैं कहूँगा फिर से सामने ये पीली रंग का जो आप देख रहे होंगे मकान यही माँ भगवती के विराजमान है दुर्गा रूप में। और इस प्रकार से सामने जो आपको छोटा सा मंदिर दिख रहा होगा ये हमारे गांव में हमारे गांव का ग्राम देवता शिव जी महाराज का मंदिर है। कभी भी पारिवारिक जन इस भवन में हमारी कुल देवी का निवास है। ये निवास माँ भगवती का दुर्गा देवी का निवास है। पारिवारिक जन कुछ बम्बई से पलायन कुछ किस प्रकार से हरिद्वार देहरादून इत्यादि पृथक पृथक बसे हुए इधर भी मकानों के हालात आप देख ही रहे होंगे। मैं फिर से बताना चाहूंगी मकानों के हालात जो इस टाइम वर्तमान समय में घर में गिने चुने परिवार हैं सभी इस प्रकार से शहरों में पलायन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की वजह से जो कि दो व्यवस्थाएं बहुत इस प्रकार से। और एक मिनट जरा फोन पकड़ेंगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये हमारे शहरों में आजकल नींबू बड़े महंगे हैं कागजी नींबू। और ये देखिए हमारे यहाँ पहाड़ों पर कागजी नींबू पेड़ों पर लगे हुए हैं और इस साइज़ का कागजी नींबू शायद आपको शहरों में देखने को ना मिले। बहुत ही बड़ा प्यारा कागजी नींबू रसों से बिल्कुल भरा हुआ। और आगे चलते हैं गांव के मार्ग की ओर। ये बिच्छू घास जिसको कि आजकल लोग विनोद में बाल सुधार बट्टी भी कहते हैं। इसमें आप एक कांटे देख रहे होंगे रेशेदार बहुत ही जल निकलते हैं महाराज जब लगता है तो। और ये हम चलें गाँव से नीचे की ओर चाचा जी के घर की ओर। नीचे आप देख रहे हैं फसल तैयार खड़ी है गेहूँ की कटने को तैयार। हाँ जी ये हमारे गांव का पुराना मार्ग अब इसको जो है सीमेंटेड बना दिया गया है। ये गांव की खेती सीढ़ीदार खेती जो पहाड़ों की विशेष पहचान है। इसके बाद जो सामने आपको गांव दिख रहा है छोटा सा ये सांकरी नामक गांव है। और जो आपको आगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये टीन शेड वाला नदी जिसमें आ रही है ये हमारा कुत्तू का डैम है। यहाँ पे का निर्माण हो रहा है इस प्रकार से। ये हमारी यहाँ की भूमि है। और अब मैं आपको ले चल रहा हूँ सीधा अपने चाचा जी के घर पर जहाँ पर कि आचार्य जी का वार्षिक श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा है। प्रणाम जी प्रणाम ठीक हो भाई साहब।
यूट्यूब पर डाल दो बेटा बेटा बेटा
अरे लेडीज तक बैठे रहो बैठे जा ना तेरी बता दो मैं अबे कॉल नहीं करो बारे में बताओ लेडीज रूम बैठे दानी दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे धन संपत्ति घर बैठ के